सर ट्रिब्यूनल के हवाले से जो चीफ जस्टिस साहिबा ने फैसला किया, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़ा अच्छा फैसला इस लिहाज से है, चीफ जस्टिस साहब को तो अपने जजेस के साथ ही खड़ा होना था ना। सही। इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि ये जज हमें पसंद नहीं है और इस जज ने हमारे खिलाफ कभी फैसला दिया था इसलिए ये जज ना हो, ये तो बड़ी नामुनासिब सी अप्रोच थी। मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ने जैसा फैसला किया है कि वो रिव्यू नहीं फाइल कर रहा, ये एक बड़ा मुसबत फैसला है। इसी तरह उसको चाहिए कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की ये जो फैसला है इसको भी मान के आगे चलें और इलेक्शंस का जो ट्राइबूनल्स को काम करने दें, फॉर्म 45-47 खुलने दें और मरियम बीबी की जो घबराहट है उसको मजीद वो काफ़ी वो मरियम बीबी बोली हैं और उन्होंने कहा कि हमने 5 साल पूरे करने हैं, हालांकि अभी तो 4 माह हुए हैं हुकूमत को। 5 साल तो क्या, यहाँ पे उनका बस चले तो वो तो कई वो तो जाएँ कभी ना। प्रॉब्लम यह है कि मरियम नवाज़ को पता है कि ये अगर जो ही खुलते हैं फॉर्म 47 तो उनकी तो अपनी सीट ख़तरे में है। तो नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ समेत जो नून लीग के बहुत सारे MNA MP हैं वो तो अपनी सीटें नहीं बचा सकेंगे जिस तरह के हालात जा रहे हैं। और ये जो इस्लामाबाद में बातें चल रही हैं एमरजेंसी की, मार्शल लॉ की, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, बात यह जी कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी तो नहीं है और ये एक तासुर तो ये है कि नून लीग जजेस को डराने के लिए ये बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी सूरत में देखें अगर आपने लगाना है, अगर इंटरनेशनल हालात इजाज़त देते हैं, आप समझते हैं कि ट्रंप अमेरिका में आ गए हैं, लेबर जो है वो इस वक्त बरतानिया में है और वो आपको इजाज़त दे देंगे पाकिस्तान में सपोर्ट कर देंगे मार्शल लॉ को, तो फिर देख लें। लेकिन इस वक्त तक जो हालात हैं उसमें तो नहीं लग रहा कि ये कोई सपोर्ट मिलेगी। काजी साहब ने अपने देखा कि उन्होंने दोबारा रिव्यू लगाने की कोशिश की, कमेटी ने इनकार कर दिया, अक्सरियत हो गई, तो क्या काजी साहब को क्या करना चाहिए आपके नज़दीक? देखिए, ये जो पहली बात तो यह है कि जो हाजिर जजेस हैं उन्हीं को ही आप जो है वो इन केसेस में लगाएं, रिटायर्ड जजेस को दोबारा लगाना पॉलिटिकल केसेस में तो मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सर। ट्रिब्यूनल के हवाले से जो चीफ जस्टिस साहिबा ने फैसला किया, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़ा अच्छा फैसला इस लिहाज से है, चीफ जस्टिस साहब को तो अपने जजेस के साथ ही खड़ा होना था ना। सही। इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि ये जज हमें पसंद नहीं है और इस जज ने हमारे खिलाफ कभी फैसला दिया था इसलिए ये जज ना हो, ये तो बड़ी नामुनासिब सी अप्रोच थी। मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ने जैसा फैसला किया है कि वो रिव्यू नहीं फाइल कर रहा, ये एक बड़ा मुसबत फैसला है। इसी तरह उसको चाहिए कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की ये जो फैसला है इसको भी मान के आगे चलें और इलेक्शंस का जो ट्राइबूनल्स को काम करने दें, फॉर्म 45-47 खुलने दें और मरियम बीबी की जो घबराहट है उसको मजीद वो काफ़ी वो मरियम बीबी बोली हैं और उन्होंने कहा कि हमने 5 साल पूरे करने हैं, हालांकि अभी तो 4 माह हुए हैं हुकूमत को। 5 साल तो क्या, यहाँ पे उनका बस चले तो वो तो कई वो तो जाएँ कभी ना। प्रॉब्लम यह है कि मरियम नवाज़ को पता है कि ये अगर जो ही खुलते हैं फॉर्म 47 तो उनकी तो अपनी सीट ख़तरे में है। तो नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ समेत जो नून लीग के बहुत सारे MNA MP हैं वो तो अपनी सीटें नहीं बचा सकेंगे जिस तरह के हालात जा रहे हैं। और ये जो इस्लामाबाद में बातें चल रही हैं एमरजेंसी की, मार्शल लॉ की, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, बात यह जी कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी तो नहीं है और ये एक तासुर तो ये है कि नून लीग जजेस को डराने के लिए ये बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी सूरत में देखें अगर आपने लगाना है, अगर इंटरनेशनल हालात इजाज़त देते हैं, आप समझते हैं कि ट्रंप अमेरिका में आ गए हैं, लेबर जो है वो इस वक्त बरतानिया में है और वो आपको इजाज़त दे देंगे पाकिस्तान में सपोर्ट कर देंगे मार्शल लॉ को, तो फिर देख लें। लेकिन इस वक्त तक जो हालात हैं उसमें तो नहीं लग रहा कि ये कोई सपोर्ट मिलेगी। काजी साहब ने अपने देखा कि उन्होंने दोबारा रिव्यू लगाने की कोशिश की, कमेटी ने इनकार कर दिया, अक्सरियत हो गई, तो क्या काजी साहब को क्या करना चाहिए आपके नज़दीक? देखिए, ये जो पहली बात तो यह है कि जो हाजिर जजेस हैं उन्हीं को ही आप जो है वो इन केसेस में लगाएं, रिटायर्ड जजेस को दोबारा लगाना पॉलिटिकल केसेस में तो मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।